हेलो एवरीवन, आई एम नितिका अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम शहीद उद्धम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इंद्री। टुडे द टॉपिक इज डिजिटल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। फर्स्ट कम्स द वीडियो। वीडियो कम्स फ्रॉम ए कैमरा विच रिकॉर्ड्स व्हाट इट सीज एज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। जनरली आपने देखा होगा वीडियो बनाने के लिए हम या तो वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं और वीडियो डिज़ाइन कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपके पास क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास इमेजेस भी अगर हमारे पास स्टोर हैं तो हम 10 इमेजेस 20 इमेजेस चूज़ करके उसकी वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली चाहे आप इमेजेस से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं या वीडियो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली वीडियो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। उसमें वीडियो में सभी इमेजेस की ही सीक्वेंस होती है। ओके, इमेज फ्रेम्स कंप्राइज द वीडियो इन विच फ्रेम रेट इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स। तो वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हमारा फ्रेम रेट, कि आपका फ्रेम रेट क्या है। फ्रेम रेट डिसाइड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स। फ्रेम्स मीन्स कि आपकी स्क्रीन में आपका क्या फ्रेम रेट रहेगा। नेक्स्ट होता है मिनिमल इमेज चेंज बिटवीन द फ्रेम्स। फ्रेम्स के बीच में इमेज चेंजेस जो है वो मिनिमल है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रेम्स इज मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट इज FPS। तो जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उसमें आपका फ्रेम रेट क्या है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका फ्रेम रेट 30 FPS पे है या 60 FPS पे है। दैट मीन्स आपका फ्रेम रेट पर सेकेंड कितना स्टोर है उसमें। सीक्वेंसिंग ऑफ स्टिल इमेजेस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स। अगर स्टिल इमेजेस हैं, लाइक आई एम नॉट मूविंग एंड इमेजेस क्लिक इमेजेस स्टिल, सो सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस, आपका स्टिल इमेजेस हैं आपने उनको सीक्वेंस में लगा दिया, देन इट ऑल्सो क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। लाइक वन इज सिटिंग लाइक बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं और थोड़ा सा अगर मूवमेंट की तो इस तरह से। तो जब ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस बन जाती हैं देन इट क्रिएट्स अ इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो वो भी वीडियो है जिसमें आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है। ग्रेटर देन 16 FPS इज स्मूथ। देखिए 16 FPS यानी कि 16 से ऊपर का अगर आपका फ्रेम रेट पर सेकेंड है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ स्मूथ। और आपका FPS 16 से नीचे है तो उसमें क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है दैट विल नॉट बी अ स्मूथ। तो फ्रेम रेट पर सेकेंड डिसाइड्स द स्मूथनेस ऑफ योर वीडियो। जनरली ग्रेटर देन 16 FPS इज कंसिडर टू बी द आइडियल स्टैंडर्ड्स। 29.97 इज NTSC के लिए दे रखा है। 24 FPS फॉर मूवीज के लिए, 25 फॉर PAL, ये मैंने फॉर्मेट्स वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। NTSC फॉर्मेट, PAL फॉर्मेट, HDTV फॉर्मेट्स, तो ये सारे डिजिटल वीडियो के फॉर्मेट्स हैं जिनमें FPS बता रखा है कि कितना फ्रेम पर सेकंड हमारा रहेगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए ब्रॉडकास्ट टीवी और NTSC में क्या रहेगी। 15 बिट्स पर पिक्सल ऑफ कलर डेप्थ रहेगी। 525 लाइंस ऑफ रेजोल्यूशन रहती है विद 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो होता है स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल क्या दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो। तो जनरली 4:3 इज द एस्पेक्ट रेशियो। डिस्प्ले स्कैन रेट इज डिफरेंट। तो ये वीडियो के बारे में बता रहे हैं। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या है, तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट आपका कितना रहता है, ओके 60-70 Hz। दैट मीन्स 60 Hz मीन्स 1 सेकेंड में स्क्रीन रिफ्रेश 60 times पर सेकेंड हो रही है। तो हमें पता नहीं लगता बट जनरली जो हमें वीडियो दिखाई दे रही है, जो हमें TV पे दिखाई दे रहा है या आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो हमें इस तरह से लग रहा है कि वो स्मूथ वर्किंग, बट उतने ही टाइम में वो स्क्रीन उतना रिफ्रेश होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन। तो जनरली क्या रहती है 60-70 Hz, यानी कि इन 1 सेकेंड 60-70 times स्क्रीन आपकी क्या हो रही है, रिफ्रेश होती है। इंटरलेसिंग हाफ द स्कैन लाइन्स एट अ टाइम। मैंने इंटरलेसिंग का कंसेप्ट पहले भी आपको बताया था अर्लियर वीडियोज में। इंटरलेसिंग में स्कैन द लाइन्स इन रो वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। तो वो स्कैनिंग आपकी प्रॉपरली लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट में वापस आ रही है, लेफ्ट टू राइट में स्कैन हाफ स्कैन लाइन्स पे चल रहा है। तो डिपेंड अपॉन कि आपकी स्कैनिंग रास्टर स्कैन है या रैंडम स्कैन सिस्टम पे है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो।
वीडियो की डेफिनेशन देख ली आपने, फ्रेम रेट मैंने आपको बता दिया, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्या क्या यूज़ होने वाला है, स्कैन रेट में, मॉनिटर रिफ्रेश रेट में क्या है. ओके, नाउ वीडियो डाटा फायर हाउस टू डिस्प्ले 1 सेकेंड ऑफ अनकम्प्रेस 16-बिट कलर. देखिए बता रहे हैं कि आपके पास एक वीडियो अनकम्प्रेस्ड है, 16-बिट कलर पे है, 640x480 उसका रेजोल्यूशन है. तो डिजिटल वीडियो रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेट 18 MB ऑफ स्टोरेज. आपकी डिजिटल वीडियो है, अनकम्प्रेस्ड है, और उसका रेजोल्यूशन 640x480 रेजोल्यूशन पे है, तो 18 MB का स्टोरेज आपको चाहिए. 1 मिनट की अगर होगी तो 1 GB. देख सकते हैं 1 सेकेंड के लिए 18 MB है, और 1 मिनट की वीडियो के लिए 1 GB. CD ROM कैन ओनली होल्ड अबाउट 600 MB. तो मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है, ओनली 600 MB स्टोर हो सकता है CD पे आपके. ओके, और हाई स्पीड प्लेयर कितना ट्रांसफ़र कर सकता है, 150 KB/s पे. तो आप इसे सोच सकते हैं कि आपका डाटा स्टोरेज और ट्रांसफ़र जो होगा वो कितना मुश्किल हो जाएगा आपका डिजिटल वीडियो में. आप देख सकते हैं कि आपका 1 GB, 1 मिनट की वीडियो में 1 GB स्टोरेज हो रही है, और CD में 600 MB सिर्फ स्टोर हो सकता है. 1 GB मीन्स 1000 आपका MB है, 1000 MB. तो या तो 600 MB स्टोर होंगे CD में, तो आपको डाटा किस तरह से स्टोर करना है, और ट्रांसफ़र कर रहा है तो 150 KB/s पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो विदाउट कंप्रेशन इट विल नॉट बी पॉसिबल विद करंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी. आपके पास करंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, बिना कंप्रेशन के आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो दिस वॉज ऑल अबाउट अनकम्प्रेस्ड, कि अगर आपकी वीडियो अनकम्प्रेस्ड है तो 1 मिनट की वीडियो में आपको 1 GB का स्टोरेज है उसमें. तो हम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं. देखिए इश्यूज़ में क्या रहेगा कि अब आपको कंप्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है वो मैंने अभी आपको बताया. तो इसमें क्या रहता है, वीडियो जो सोर्स डाटा है मल्टीप्लाइड बाई कंप्रेशन इज इक्वल टू स्टोरेज रहेगा. तो हाउ मच एंड वट टाइप ऑफ वीडियो डाटा इज इन अनकम्प्रेस्ड सिग्नल, हाउ मच डाटा कैन बी कंप्रेस्ड, वो आपको देखना है. सो ओरिजिनल वीडियो सोर्स एंड द डिजायर्ड प्लेबैक पैरामीटर ड्रामेटिकली इफेक्ट द फाइनल स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन नीड. तो आपका जो फाइनल ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे डिसाइड होगा. नाउ कंप्रेशन, कंप्रेशन का क्या मीनिंग है, देखिए द पर्सन रिकॉर्डिंग वीडियो इज टू बी डिजिटाइज कैन ड्रास्टिकली इफेक्ट द कंप्रेशन स्टेप्स. वीडियो इन विच बैकग्राउंड्स आर स्टेबल और चेंज स्लोली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विल यील्ड अ हाई कंप्रेशन रेट. Scenes in which only a person face from the shoulder upward is captured against a solid background will result in excellent compression. So this is generally talking about the कि compression के लिए आपको क्या क्या factors ध्यान में रखने. Like I am sitting in front of camera and after recording this video मैं इसे compress कर रही हूँ, तो compression में भी काफ़ी problems कई बार आती हैं. तो like देखिए background, अगर आपका पीछे background monochrome है, single colored monochrome background है, सॉलिड कलर है, तो आप इजीली कंप्रेशन कर सकते हैं. मल्टीपल कलर्स का बैकग्राउंड है और आपकी इमेज के बाद और भी वीडियोस को भी कंप्रेस करना, तो उसमें कंप्रेशन में क्या रहेगा, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहता है. फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टरिंग स्टेप डज नॉट अचीव कंप्रेशन. जनरली इमेजेस वीडियोज में फिल्टरिंग का टेक्निक यूज होता है, बट इट डज नॉट अचीव कंप्रेशन, बट मे बी नेसेसरी टू मिनिमाइज आर्टिफैक्ट्स ऑफ कंप्रेशन. फिल्टरिंग इज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म्ड ऑन अ वीडियो फ्रेम इमेजेस बिफोर कंप्रेशन. तो कंप्रेशन से पहले क्या प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, वीडियो पे फिल्टरिंग की जाती है. इट स्मूथ्स द शार्प एजेस इन इमेज वेयर अ सडन शिफ्ट इन कलर और ल्यूमिनस हैज अकर्ड. ओके, तो जनरली क्या, वीडियो अगर आप अनकम्प्रेस देख रहे हैं तो ऑलरेडी उसका डाटा साइज भी इतना है, स्टोरेज ज़्यादा है और उतना ट्रैवल नहीं कर सकता, तो कंप्रेशन की टेक्निक यूज़ होती है. बट उससे पहले हमारे पास कौन सी टेक्निक है, फिल्टरिंग की टेक्निक है. द स्मूदिंग इज परफॉर्म बाय एवरेजिंग एडजस्टिंग ग्रुप ऑफ पिक्सल वैल्यूज. तो स्मूदनिंग की जाती है पिक्चर की, उसको कहते हैं फिल्टरिंग टेक्निक. विदाउट फिल्टरिंग डीकंप्रेस्ड वीडियो एक्सिबिट्स जैक्ड एजेस एंड मर पैटर्न्स. इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर फिल्टरिंग नहीं हुई है और डायरेक्ट वीडियो कंप्रेस हो जाती है, तो उसके जो एजेस होंगे वो जैक्ड होते हैं. जैक्ड का मतलब होता है कि रैंडम टाइप में डिस्ट्रीब्यूट होगी इमेज, आपके पास इमेज आपको एक पर्टिकुलर व्यू में नहीं दिखाई देगी. तो ये तो था हमारे पास फिल्टरिंग बिफोर दैट इज परफॉर्म, दैट इज बिफोर द कंप्रेशन. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज डाटा रिडक्शन थ्रू स्केलिंग. द ईजिएस्ट वे टू सेव द मेमरीज टू स्टोर लेस. देखिए अगर आप मेमरी को सेव करना चाहते हैं तो कम स्टोर करें, फॉर एग्जाम्पल थ्रू साइज स्केलिंग. साइज स्केलिंग क्या होता है,
ओरिजिनल डिजिटल वीडियो स्टैंडर्ड्स ओनली स्टोर्ड अ वीडियो ऑफ 160x120 पिक्सल, रिडक्शन ऑफ 1/16 साइज ऑफ दिस. ओके, ए 320x240 डिजिटल वीडियो साइज इज करंटली अबाउट स्टैंडर्ड यील्डिंग 4:1 डाटा रिडक्शन. तो इसमें क्या रहेगा आपका डाटा रिडक्शन 4:1 टाइम में रहेगा. दिस इज द टेक्निक ऑफ इन विच क्या रहेगा आप अपने स्केलिंग टेक्निक से डाटा को रिड्यूस कर सकते हैं. पिक्सल वैल्यू जो आपको जनरली स्टोर हो रही है आपकी स्क्रीन पर उसको ये क्या कर देगा 1/16 से रिड्यूस कर देगा उसको. ठीक है, और डाटा रिडक्शन थ्रू स्केलिंग अगर आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड भी रिड्यूस हो जाएंगे. लाइक 32 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा. अगर आपने 24 से भी रिड्यूस कर दिया देन इट बिकम्स नोटिसेबल इन फॉर्म ऑफ जर्की मूवमेंट. तो आपकी स्क्रीन पे जर्क आपको दिखाई देगी. जर्क का होता है कि मतलब किसी को पुश करना. तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही जो इमेज दिखाई दे रही वो प्रॉपर स्मूथनिंग नहीं दिखाई देंगी. तो स्केलिंग में भी एक स्केल डिसाइड करना है कि आपको फ्रेम्स कितना रिड्यूस करना है. लाइक 30 से 24 तक कर रखा है तो 24 से बिलो आप स्केलिंग नहीं कर सकते उसकी. और पिक्सल वैल्यू आपने रिड्यूस की हुई है तो वो भी स्केलिंग की टेक्निक में ही यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट आता है कंप्रेशन कैसे करनी है. आपने देखिए हमने पहले फिल्टरिंग देखा, फिल्टरिंग किस तरह से हो रही है, उसके बाद हमने स्केलिंग किया, उसके बाद आता है कंप्रेशन क्या होती है. देखिए कंप्रेशन में क्या होता है, जनरली आपका जो डिजिटल वीडियो है उसका साइज़ रिड्यूस करना है. हमने साइज़ रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब डाटा ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलिंग में उसके कंजेशन होगा, नेटवर्क ट्रैफिक हो जाएगा. तो हम साइज़ को रिड्यूस करके ईजिली ट्रैवल करवा सकते हैं. ओके, तो कंप्रेशन को क्या कहते हैं देखिए आप, जिसमें हमारे पास आते हैं कोडेक्स बोलते हैं इनको. CO स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड DEC स्टैंड फॉर डीकंप्रेशन एल्गोरिथम. तो इसमें रहते हैं हमारे पास कोडेक्स में कंप्रेशन और डीकंप्रेशन बोथ परफॉर्म करनी है. देखिए जब फाइल को आप सेंड कर रहे हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो कंप्रेशन होती है. जब हम फाइल को रिसीव कर लेते हैं तो हम उसे क्या करते हैं डीकंप्रेस कर लेते हैं. फाइल की ओरिजिनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होती. फाइल की ओरिजिनैलिटी देखिए तब डिस्टर्ब होती है जब आप कंप्रेशन एक एक्सटेंट से ज़्यादा कर देते हैं. आपने इतनी कंप्रेशन टेक्निक उस पर अप्लाई कर दी कि उस पर फैक्टर्स इतने यूज़ हो गए कि आपकी वीडियो ब्लर्ड हो जाएगी, आपकी वीडियो में आपको इफेक्ट्स प्रॉपरली नहीं दिखाई देंगे, उसकी क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा. तो लेकिन हमें इन चीज़ों को रिड्यूस नहीं करना, हमें एक प्रॉपर वे में उसे रखना भी है. बट कंप्रेशन उतने लेवल तक परफॉर्म करेंगे कि साइज़ रिड्यूस रहे उसका. तो उसके बाद क्या रहता है देखिए, सिंस मोस्ट नेचुरल इमेजेस आर कंपोज्ड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कैन बी डिस्कार्डेड. तो ये नेचुरल इमेजेस के बारे में बता रहे हैं. फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एट 64 कोफिशिएंट ड्यू टू अंडरलाइंग DCT डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम विच ऑपरेट्स अपॉन 8x8 पिक्सल ग्रिड्स. नाउ नेक्स्ट कम्स ई कंप्रेशन थ्रू क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन टेक्निक्स होती है हमारे पास, देखिए PCM टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक. DPCM है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक. तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है देखिए, क्वांटाइजेशन में किस तरह से कंप्रेशन हमारी हो रही है. द लूजी क्वांटाइजेशन स्टेप ऑफ डिजिटल वीडियो यूज़ फ्यूअर बिट्स टू रिप्रेजेंट लार्जर क्वांटिटीज. द 64 फ्रिक्वेंसी कोफिशिएंट ऑफ DCT ट्रांसफॉर्मेशन आर ट्रीटेड एज रियल नंबर. तो क्वांटाइजेशन में बेसिकली क्या है देखिए, कंप्रेशन को करने के लिए हम जनरली क्या कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन टेक्निक यूज़ कर लेते हैं. सो दैट जो डाटा ट्रैवल कर रहा है हमारा, हम उसमें क्या कर सकें, उस डाटा को ईजिली मूव कर सकें, ईजिली ट्रांसमिट कर सकें हम उसे. तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, क्वांटाइजेशन जो होती है हमारी वो हमारी फिजिक्स की टर्म है, जिसमें हम क्या कर देते हैं कि उसमें टर्म्स को कि इनपुट हमारा इस तरह से होता है कि हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं सो दैट कि वो कंटिन्यूस भी रहे और लार्ज सेट ऑफ वॉल्यूम्स लाइक कुछ भी हमारे पास है और लार्ज सेट ऑफ वॉल्यूम को डिस्क्रीट सेट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें. तो बेसिकली क्वांटाइजेशन का देखिए क्या यूज़ क्या होता है, क्वांटाइजेशन को हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं. जो आपका डिजिटल अभी वीडियो ट्रैवल कर रहा है ट्रांसमिट करना है आपने, उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्वांटाइजेशन. इट इज़ यूज टू बेसिकली मैपिंग इनपुट वैल्यूज़, बेसिकली मैपिंग इनपुट वैल्यूज़ फ्रॉम अ लार्ज सेट टू आउटपुट वैल्यूज़ इन स्मॉलर सेट. अगर बहुत बड़ा सेट है जिसमें लार्ज वैल्यूज़ हैं,
आप उसको स्मॉलर सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग इनपुट फ्रॉम लार्ज सेट ऑफ नंबर टू स्मॉल सेट ऑफ नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी सैम्पलिंग की प्रोसेस होती है, सैम्पलिंग के प्रोसेस के बाद हम क्वांटाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्वांटाइजेशन किस लेवल तक परफॉर्म करना चाहते हैं उसको, मतलब बेसिकली मीनिंग होता है इसका डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, आप डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम क्वांटाइजेशन में कंप्रेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेम कंपैक्शन। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास कंप्रेशन में है वो है फ्रेम कंपैक्शन। आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है कंप्रेशन की। वन इज़ RLE, हफमैन कोडिंग, अर्थमेटिक एनकोडिंग। RLE का मीनिंग होता है रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम। रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल वैल्यूज होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं 111 फाइव टाइम है तो यहाँ फाइव हो जाएगा, फाइव वंस है, फोर जीरोज़ हैं, फोर ज़ीरो, सिक्स वन, सिक्स वन, फाइव टाइम जीरो तो फाइव ज़ीरो। तो इसे कहते हैं रन लेंथ एंड कोडिंग स्कीम, जिसमें हम क्या करेंगे आइडेंटिकल वैल्यूज़ को नंबर ऑफ टाइम्स से उसकी वैल्यू कितनी बार आ रही है फॉलोड बाय दैट वैल्यू आल्सो हम वो राइट कर देते हैं। हफमैन कोडिंग रिप्लेसेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जो बहुत ज़्यादा बार बार वैल्यू अकर हो रही है उसको हम स्मॉलेस्ट कोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अर्थमेटिक कोडिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू हफमैन कोडिंग बट इट कोड्स यूजिंग द कॉमनली अकरिंग वैल्यू स्ट्रिंग यूजिंग द फ्रैक्शनल बिट कोड्स। तो ये हमारे पास कंपैक्शन की टेक्निक्स हैं जिसमें मैंने अब आपको बताया कि कंप्रेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हमने फिल्टरिंग किया, स्केलिंग किया, क्वांटाइजेशन टेक्निक की। क्वांटाइजेशन में हम लार्ज सेट ऑफ नंबर को स्मॉल नंबर ऑफ सेट में ला सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, कंपैक्शन कर सकते हैं। तो ये कंप्रेशन के सब पार्ट हैं तो इन टेक्निक्स को हम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरफ्रेंस कंप्रेशन। इंटरफ्रेंस कंप्रेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास MPEG स्टाइल यूज़ होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप के फ्रेम्स यूज़ होते हैं, वन इज आई फ्रेम, पी फ्रेम, सेकंड थर्ड इज़ बी फ्रेम। आई इज़ फ्रेम फॉर इंटरफ्रेम कंप्रेशन इंफॉर्मेशन है, आई फॉर इंटरफ्रेम कंप्रेशन। पी फ्रेम स्टैंड फॉर द पी, सेकंड टाइप इज पी फ्रेम इज प्रेडिक्टेड फ्रेम, प्रेडिक्टिव फ्रेम की टू और फोर फ्रेम्स इन द फ्यूचर जो आपके यूज़ होने वाले हैं। थर्ड टाइप इज़ बी फ्रेम, दैट इज़ बाई डायरेक्शनल इंटरपोलेटिव प्रेडिक्टिव फ्रेम, दैट विल फिल इन द जंप फ्रेम। तो ये तीन टाइप के आप देख सकते हैं फ्रेम्स हैं MPEG में। MPEG फॉर्मेट आपने सुना ही हुआ, जो हमारी वीडियो फाइल्स हैं जनरली MPEG फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप के फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर, आई फ्रेम, पी फ्रेम और बी फ्रेम। नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग वीडियो। जनरली आपने सुना हुआ है वीडियो स्ट्रीमिंग करने के बारे में, तो स्ट्रीमिंग वीडियो में देखिए क्या होता है, इट एक्सेस द डिस्क फास्ट एनफ, रैंडम एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क से बोलते हैं रेड्स, डोंट डाउनलोड एवरीथिंग फर्स्ट, प्ले एज यू स्टार्ट टू डाउनलोड, कीप अ बफर फॉर वेरिएबल नेटवर्क स्पीड, ड्रॉप फ्रेम्स पैकेट्स व्हेन यू फॉल बिहाइंड, एडजस्ट द बैंडविड्थ डायनेमिकली। तो स्ट्रीमिंग वीडियो होता है कि आप लाइव वीडियो टेलीकास्ट करें, तो स्ट्रीमिंग वीडियो में ऑटोमेटिकली ये जो होता है आपके पास बफरिंग रहेगी, आपको इसमें वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें फॉर्मेट्स दे रखे हैं, देखिए कौन कौन से हैं, RTSP, QT, MS-ASF, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है H.323 स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए। नेक्स्ट है वेबकास्टिंग। डिजिटल वीडियो का वेबकास्ट किस तरह से कर सकते हैं, देखिए वेबकास्टिंग में क्या है, वेबकास्टिंग लाइव है, आप कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप लाइव हैं, दैट इज़ वेबकास्टिंग। डिजिटल वीडियो है वेबकास्टिंग लाइव, इनकोड फास्ट एनफ, स्ट्रीम टू मल्टीपल यूजर कनेक्टेड एट द सेम टाइम, ओनली टाइम सिंक्रोनस वेइंग, दैट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल वीडियो पार्ट। सो दीज आर द डाटा रेट्स फॉर द वीडियो, डाटा रेट्स हैं नेटकास्टिंग की है, अपने प्रीव्यू है आपका, लैन पे है, ब्रॉडकास्ट है, एडिटिंग आर्किव अनकम्प्रेस्ड। सो फॉर्मेट क्या रहेगा, ट्रांसफ़र रेट कितना है, देखिए डिस्क स्पेस पर आर कितना ऑक्यूपाई होगा, डिस्क स्पेस 1 लाख आवर्स में कितना होने वाला है, ये आप नोट कर सकते हैं। जनरली देखिए इसमें क्या क्या है आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ट्रांसफ़र रेट आप देख सकते हैं 0.06 मेगाबिट्स पर सेकेंड,
नेट कास्टिंग में, और अनकंप्रेस्ड वीडियो डाटा 270 मेगाबिट्स पर सेकेंड। नाउ कम्स द एमपीईजी। मैं आपके साथ एमपीईजी फॉर्मेट्स आपको एक बार बता देती हूँ, देखिए क्या क्या है। एमपीईजी 1 1992 कंप्रेशन फॉर स्टोरेज 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड फ्रेम बेस्ड कंप्रेशन। एमपीईजी 2 1994 डिजिटल टीवी 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड फ्रेम बेस्ड कंप्रेशन। एमपीईजी 4 1998 मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस डिजिटल टीवी सिंथेटिक ग्राफिक्स लोअर बिट रेट ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्रेशन। एमपीईजी 7 मल्टीमीडिया कंटेंट डिस्क्रिप्शन इंटरफेस। नेक्स्ट एमपीईजी 21 डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आईपी राइट्स मैनेजमेंट। सो आप ये नोट कर सकते हैं सारा, ये क्वेश्चंस में हमारे पास रहता है, पेपर में क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन एमपीईजी एंड एक्सप्लेन ऑल दी फॉर्मेट्स और एमपीईजी। तो एमपीईजी 1 एमपीईजी 2 एमपीईजी 4 मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप के फॉर्मेट, एमपीईजी 7 एमपीईजी 21। नाउ एमपीईजी 1 नोट डाउन आईबीपी फ्रेम, मैंने बता दिया आपको ये फ्रेम्स। चॉइस ऑफ ऑडियो एनकोडिंग पिक्चर साइज बिट रेट इज वेरिएबल, नो क्लोज्ड कैप्शन। सो दिस इज एमपीईजी 1। एमपीईजी 2 वेयर इट इज यूज्ड डिजिटल टेलीविजन सैटेलाइट डिशेस डिजिटल केबल वीडियो लार्ज डाटा साइज इंक्लूड सीसी मोर कॉम्प्लेक्स एनकोडिंग ऑलमोस्ट एचडीटीवी। एचडीटीवी इसमें एचडीटीवी देखिए बता रखा है 480 लाइंस होगी, 720 पिक्सल्स पर लाइन है। तो टोटल आप कितना डाटा ट्रेवल हो रहा है अनकंप्रेस्ड, 168 मेगाबिट्स पर सेकंड अनकंप्रेस्ड। एमपीईजी 1 ब्रिंग्स टू 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड, एचडीटीवी 1990 मेगाबिट्स पर सेकंड। सो वाई एच डी टी वी, दिस इज हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, वाइडर पिक्चर देगा, डिजिटल सराउंड साउंड है, एडिशनल डाटा इजी टू इंटरफेस विद कंप्यूटर। दीज आर द करंट टी वी स्टैंडर्ड्स, एन टी एस सी पी एल सी कैम, ये डिजिटल वीडियो के स्टैंडर्ड्स हैं आपके। एन टी एस सी नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी वेयर इट इज यूज यू एस पी ए एल फेज ऑल्टरनेशन लाइन एशिया यूरोप साउथ अमेरिका। सी कैम सिक्वेंशियल कॉलर वेक मेमर, दिस इज इन फ्रेंच फ्रांस। चैनल बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्स 8 मेगाहर्ट्स 1 मेगाहर्ट्स। एस्पेक्ट रेशियो 4:3 ऑल इज सेम। सो दीज आर द करंट टीवी स्टैंडर्ड। यू कैन नोट डाउन द फ्रेम रेट, लार्जेस्ट फ्रेम रेट, वर्टिकल रिफ्रेश रेट, हाइएस्ट रेजोल्यूशन। In HD TV, you can see aspect ratio 16:9. This I have told you, aspect ratio of HD TV is 16:9. Now, what are the hardware requirement? Digital decoder. क्या क्या चाहिए आपको? Digital decoder चाहिए, that converts digital signal to analog. Digital ready TV set चाहिए आपको screen format के लिए। HD TV set कैन रिसीव 18 डिजिटल इनपुट फॉर्मेट। तो ये जो हार्डवेयर्स हैं आपको चाहिए, डिजिटल डिकॉर्डर होगा आपका, टीवी सेट होगा और एचडीटीवी सेट होगा। तो यहाँ आप कंपेरिजन देख सकते हैं, आपका करंट टीवी है, ये एचडीटीवी है, ये देखिए करंट टीवी, ये पिक्चर इस तरह से दिखाई दे रही है और एचडीटीवी में इस तरह से देखिए आप पिक्चर क्लैरिटी देख सकते हैं, ये क्लैरिटी एचडीटीवी में आपके पास। नेक्स्ट डीवीडी है हमारे पास, डिजिटल वीडियो डिस्क आपने पढ़ा ही हुआ है। सीडी के बाद हमारे पास आती है डीवीडीज, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, 17 GB ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। और सीडीज में मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास 700 MB तक थी, यहाँ 17 GB आप यूज़ कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं। 12 cm की ऑप्टिकल डिस्क है ये,
रिप्लेस ऑप्टिकल मीडिया, लेज़र डिस्क, सीडी, सीडी रोम, इनको रिप्लेस कर चुकी है ये। एमपीजी 4 में आपने देखिए, अब हम एमपीजी 2 तो है ही है, इसमें इंटरेक्टिव ग्राफिक एप्लीकेशंस हैं, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है। एमपीजी 4 बिट रेट्स देखिए, 5 किलोबिट्स पर सेकंड से 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जा चुका है। हाई क्वालिटी वीडियो, बेटर कंप्रेशन देन एमपीजी 1, लो डिले ऑडियो एंड एरर रेजिलेंस, फेस एनिमेशन, इफेक्टिव एफिशिएंट स्ट्रीमिंग। नाउ एमपीजी 7, 7 में देखिए क्या है, डाटा है, मल्टीमीडिया कंटेंट, डिस्क्रिप्शन स्कीमा है, स्कीम है। तो दिस इज़ द लैंग्वेज विच इज़ XML बेस्ड, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो MPEG 7 उस पर बेस्ड है। इट डज़ नॉट डील विद द डाटा बट मेटा डाटा ट्रांसमिशन। मैं अभी इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी लैंग्वेज है। देखिए डिस्क्रिप्शन स्कीम रहेगा और कंटेंट डिस्क्रिप्शन, ये सब यूज़ होंगे इसमें। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से। दिस इज MPEG 7। Now there are some question based on today's topic, that is digital video. First is explain the video compression. आपको compression के बारे में बताना है, जिसमें आप scaling, filtering, compaction बता सकते हैं। Second question define quantization. Quantization के बारे में बताना है। Next question write a short note on MPEG 2, MPEG 4, how to convert a video into MPEG 4 format. आपके पास जो वीडियो, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज MPEG 4 इज सेम एज MP4। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक डिजिटल वीडियो। डिस्कस विद योर क्लास टीचर ऑल दिस क्वेश्चन एंड देन राइट डाउन द आंसर ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।